तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन का करारा नाश्ता। इसमें हमने दही डाल दी, सोयाबीन को हमने भिगो रखा। अब चावल का आटा डालेंगे थोड़ी सी, और काली मिर्च और जीरा पीस रखा इसमें, और इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। नमक डालेंगे, और इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब हम सारे को मिक्स कर लेंगे। इस तरह मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, क्रंची के लिए इसमें चावल का आटा डाला जाता है थोड़ा सा, ताकि ये क्रंची हो जाए। इस तरह हम इसे लाल करके निकाल लेंगे, फ्राई करते हैं। इस तरह हम 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। अब यह हमारा 5 मिनट के बाद तैयार हो गया है सोयाबीन का बिल्कुल क्रंची चाय के साथ नाश्ता।